एक्सरसाइज 4.2। देखो सिक्स नंबर सबसे बोला है क्या, मान ज्ञात करो। पॉइंट में दिया हुआ है एक नंबर माने 0.125, उसका होल पावर 2/3 है। ठीक है, हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, जो पॉइंट में जो नंबर दिया हुआ है उसको पॉइंट को हटा लेंगे। ओके, कैसे देखो, देखो 0.125 है तो क्या करिए, 0.125 डिवाइडेड बाय, कि देखो पॉइंट के बाद कितना नंबर है, थ्री नंबर। थ्री नंबर होने के कारण क्या होगा, वन लिखेंगे और वन के साथ 30 लिखेंगे, ये पॉइंट हट गया। ओके, ये 2/3। फिर से हम बोल रहे हैं पॉइंट के बाद तीन नंबर था इसलिए वन लिखकर उसके साथ 30। अगर पॉइंट के बाद टू नंबर रहता तो 20 देते वन के साथ, अगर पॉइंट के बाद वन नंबर रहता, वन संख्या रहता तो वन के साथ 10 देते। अब देखो 125 को तोड़ेंगे, हमको आता है 5 का क्यूब, मगर तुम लोग को हम एक बार करके गुणनखंड दिखा दे रहे हैं। ठीक है, एक संख्या हम दिखा दे रहे हैं। देखो 5 5 2 10 एंड 5 5 25, फिर 5 से 5। देखो 1 2 3 कितना हुआ, 5 का क्यूब। यहाँ देखो 1000 मीन्स 10 का क्यूब पावर 2/3। अच्छा, अब क्या करेंगे, ये होल पावर, पावर जो दोनों का जो पावर क्यूब है उसको हम बाहर निकाल देंगे, होल पावर क्यूब कर दिए, इसका ऑलरेडी बाहर में पावर 2/3 है। क्या किए, लिखे, अब ये 3 ये 3 कट गया, कट गया तो कितना आया, 5/10 का पावर2। अब देखो अंदर में 5/10 है, 5 के टेबल में तो 5 1 5 5 2 10 दोनों कट जाता है, हम लोग काट देंगे, 5 1 5 5 2 10 कितना आया, 1/2 का पावर बाहर स्क्वायर कितना आया, 1/4। 1/4 को हम लोग ऐसे भी छोड़ सकते हैं, मगर यहाँ क्या है, दशमलव में सम्स जो है दशमलव में दिया हुआ, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, दशमलव में ही चेंज करके आंसर निकालेंगे। देखो यहाँ क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे, डिवाइड देने से क्या होगा, 0.25 आएगा। कैसे आएगा, हम यहाँ पर तुम लोग को रफली करके दिखा रहे हैं, तुम लोग साइड में लाइन खींच कर करोगे। ओके, देखो 4 1 डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा, ये 0 बिठा कर क्या क्या पॉइंट बिठाए, ये 0.01। ठीक है, अब 4 के टेबल में 10 तो आता नहीं है, तो 10 से कम, 4 2 8, 10 में से 2 को सॉरी 8 को माइनस किए 2 आया, ये पॉइंट के कारण यहाँ एक 0 बैठा। 4 के टेबल में 20 कितने बार में, 4 5 20, देखो कितना आया, 0.25, इसका आंसर कितना है, 0.25। ओके चलिए, अब हम नेक्स्ट सम्स ख नंबर बता रहे, सेम सम्स है। देखो 0.008 डिवाइडेड बाय पॉइंट के बाद सेम, फिर यहाँ 3 नंबर है इसलिए 3 0 बिठाएंगे, ये पॉइंट हट गया, का होल पावर -2/3। अब क्या 8/10 मीन्स 2 का घन 8 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो क्या 2 का घन आएगा, 2 क्यूब आएगा, ये 1000 का 10 का होल क्यूब 3। ठीक है, यहाँ देखो हम एक लाइन स्किप कर दिए, 5 क्यूब यहाँ 10 क्यूब था, ये हम क्या किए डायरेक्ट 2/10 करके क्यूब कर दिए, होल क्यूब कर दिए, नहीं होता है तो हम एक लाइन और बढ़ा ही देते हैं। ठीक है, -2/3। ओके, 2/10 का पावर क्यूब इंटू -2/3, ये 3 कट गया, आया कितना 2/10 का पावर -2 या -2। अब देखो 2 का टेबल में 2 1 2 2 5 10 कितना आया, 1/5 का पावर -2 है। हम लोग पहले भी बोले थे माइनस को अगर प्लस में चेंज करना होता है तो क्या होता है, नीचे वाला संख्या ऊपर, ऊपर वाला संख्या नीचे आ जाता है, हम लोग चेंज किए तो कितना आया, 5/1, 1 लिखने का जरूरत नहीं, स्क्वायर 5 स्क्वायर आया मतलब 25। ठीक है बच्चों, और एक बात हम मैंने इम्पोर्टेंट बात बोल रहे हैं, ये जो 6 का ख नंबर है, ये जो बुक में आंसर तुम लोग को मगर गलत दिया हुआ, तुम लोग ये देखकर घबराना मत। ओके, प्लीज इसी को फॉलो करना। ओके,
अब गौ नंबर सम्स में देखो क्या बोला है, 0.01024। तो क्या करेंगे पहले, 0.01024 डिवाइडेड बाय, देखो वन लिखे, अब पॉइंट बाद कितना नंबर है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 पावर 3/5। ओके अब हम लोग तोड़ेंगे कैसे, अब देखो 1000 अगर जीरो संख्या भी संख्या के आगे जीरो रहता है उसका तो कोई वैल्यू होता नहीं, तो क्या होगा 1024 का अगर गुणनखंड तोड़ते हैं तो आता है 4 to power 5। कैसे हम करके दिखा रहे हैं, देखो 1024, देखो 4 से 4 2 8, 2 बचा, 2 2 22 हो रहा है, तो 4 5 20, फिर 4 6 24। ओके फिर 4 से करेंगे, 4 6 24, देखो ये 1 और 6, 4 4 16, फिर 4 से 4 1 4, और ये हुआ 2 बचा और 4, तो 4 6 24, फिर से 4, देखो 4 कितना आया, 1 2 3 4 5, देखो बोले ना 4 का पावर 5, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 4 to power 5 डिवाइडेड बाय 10 to power 5 का होल पावर 3/5। ओके अब हम लोग क्या करेंगे, 4 by 10 का होल पावर 5 मल्टीप्लाई 3/5 मैंने क्या, ये 5 5 कट गया, बचा क्या 4/10 का पावर क्यूब। अब देखो यहाँ पर क्या 4/10 है, मतलब क्या 4 2 का टेबल में दोनों ही आ जा रहा है, 2 2 4 2 5 10, मतलब 2/5 का होल क्यूब, होल क्यूब मीन्स 8/125। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम फिर से इसको हम लोग दशमलव में बदलेंगे, पहले हम बोले थे क्या दशमलव में क्यों बदलते हैं, क्योंकि अगर सम्स में मान लो यहाँ दशमलव नहीं रहता क्या होता, भिन्न में रहता, बटा में रहता, फ्रैक्शन में, तो क्या करता वो हम लोग चलो इसको ऐसे ही छोड़ देते, मगर यहाँ तो फ्रैक्शन में नहीं है, यहाँ पॉइंट में दिया है, दशमलव में दिया है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसको दशमलव में ही बदल कर ही हम लोग आंसर लाएंगे। ओके अब देखो 1258, देखो अब क्या ये जीरो पुटक के पॉइंट बिठाए, पॉइंट अब तो 80 हो रहा है, क्या जाएगा, नहीं जाएगा, एक जीरो बिठा दिए, ये बिठाए, अब क्या देखो 125 पहले 5 से देते हैं, देखो 5 5 25 कैरी ओवर 2, 5 2 10 and 2 12, ठीक है 2 और कैरी ओवर 1, 5 1 5 5 and 1 6, ये देखो 625 है मगर है तो यहाँ 800, फिर दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 से कर रहे, देखो 7 5 35, 5 carry over 3, अच्छा 7 2 14 and 3 17 का 7 carry over 1, 7 1 7 7 and 1 8, देखो 7 बार में फिर क्या हो रहा है, 800 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या, 6 बार में एक बार हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 6 देखो 6 5 30 0 0 और ये कैरी ओवर 3, अच्छा फिर 6 2 12 12 and 3 15 का 5 carry over 1, 6 1 6 6 and 1 7, देखो तो यहाँ 800 से 750 इसका छोटा है, इसका जाएगा 6 times 750। ओके अब माइनस कर रहे हैं, माइनस किए क्या 10 में से 5 माइनस किए 5 10 में से देखो 5 किया 10 में से 10, मतलब हम लोग का कैसे लाए, ये तो जीरो था, इस जीरो से तो 5 तो माइनस होता नहीं है, इसलिए क्या कि ये 8 से 1 कैरी ले लिया, कैरी लिया तो 10 हो गया, 10 में से 5 हुआ, 10 में से 5 माइनस हुआ 5। अब ये देखो ये तो ये जीरो को तो 1 दे दिया ना, तो उसके पास क्या लेस हो गया, मैंने 7 8 में से 1 माइनस हो गया 7, 7 में से 7 माइनस किए 0 या क्रॉस, अब ये पॉइंट था इसलिए यहाँ पर एक जीरो हो गया। देखो अब क्या 125, देखो 5 बार में तो हम लोग देखे थे ज्यादा था, अब 4 बार में हम देख लेते हैं, अच्छा 5 4 20 कैरी ओवर 2, 4 2 8 and 2 10 0 कैरी ओवर 1, 4 1 4 4 and 1 5, कितना 4 बार में गया 500। ओके हम लोग क्या हुआ आंसर, हम लोग कितना आया
0.064. Okay, children, please note this carefully.